हाय एवरीवन, दिस इज युक्ति बेलवाल। अगर आप लोग MBBS अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं और आपका बजट 25 लाख या उससे कम है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय एवरीवन, दिस इज युक्ति बेलवाल एंड वेलकम टू माय चैनल वे आई गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टडिंग MBBS अब्रॉड। हम सब जानते हैं कि अब्रॉड से MBBS करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है और वो रीज़न होता है कि इंडिया में सीट मिलने के लिए जो स्कोर नीट स्कोर चाहिए होता है वो आप लोगों का नहीं आ पाता और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए फ़ीस लगती है वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। एक मिडिल क्लास फैमिली 20 से 25 लाख तक में एक कॉलेज में अपने बच्चे का एडमिशन शायद करवा भी पाए, लेकिन उससे ऊपर जो हमारे इंडिया में 10 से 15 लाख सालाना की फ़ीस होती है, ट्यूशन फ़ीस होती है, वो 4.5 साल की फ़ीस देना मुश्किल हो जाता है। पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लाए एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप पूरा एजुकेशन केवल 25 लाख रुपए में कंप्लीट कर सकते हैं और आपको एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स और उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं क्रेमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की। जी हाँ, क्रेमिया फेडरल यूनिवर्सिटी पहले यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब वो रशिया के द्वारा गवर्न होता है। इट्स अंडर द टेरिटरी ऑफ रशिया। पिछले कई सालों में हम इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ से ग्रेजुएट भी कर चुके हैं। मैं आपको अगर आपको बताऊं तो पूरे रशिया में या पूरे CIS कंट्री में ये कंटिन्यूसली बहुत अच्छा FMGE रिज़ल्ट देने वाली यूनिवर्सिटी है। यहाँ का पढ़ाई का स्टैंडर्ड आप इवन मॉस्को की यूनिवर्सिटी से भी कंपेयर कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी 1931 में शुरू हुई थी, जो अब से करीब 90 साल पहले की बात है। 2002 में इन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना शुरू किया था, यानी कि एक पायनियर है जो इंग्लिश मीडियम में फुल इंग्लिश मीडियम में स्टडीज़ करवाती है स्टूडेंट्स को। तो आपको बाइलिंगुअल में नहीं होगा, बल्कि पूरा जो कोर्स है वो पूरा इंग्लिश मीडियम में ही होता है। क्रेमिया फेडरल यूनिवर्सिटी सिम्फेरोपोल में सिचुएटेड है। ये एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला का मतलब होता है 3 साइड से ओशन से कवर होना। तो ये जो पेनिनसुला होता है यहाँ पे समुद्र की वजह से टेम्परेचर काफ़ी नीचे नहीं जाता, ना ज़्यादा ऊपर जाता है। अगर अभी की बात करूँ, इस वक्त भी क्रेमिया के सिम्फेरोपोल में टेम्परेचर हो रहा होगा 28 डिग्री सेंटीग्रेड और 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर सर्दियों की बात करूँ तो सर्दियों में मैक्सिमम यहाँ पर टेम्परेचर -7 तक जाता है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। आपको यहाँ पहुँचने के लिए रशियन एयरलाइंस एयरपोर्ट के थ्रू ही जा सकते हैं और दिल्ली से मॉस्को की दूरी 6 घंटे की होती है। मॉस्को से सिम्फेरोपोल पहुँचने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं। बीच में आपका 1.5 से 2 घंटे का मिनिमम हॉल्ट होता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने टाइम में आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इस बजट में आपको इस स्टैंडर्ड का एजुकेशन मिलना बहुत कम होता है। पहले यहाँ का जो क्राइटेरिया था एजुकेशन का, आपके बायो केमिस्ट्री में मिनिमम 70% होने चाहिए थे। फिर वो अभी कोरोना के चलते काफ़ी रिड्यूस हो गया है। तो अभी अगर आपके कम परसेंटेज हैं तो भी आप इस रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल एजुकेशन सोसाइटी लंदन से भी अवॉर्ड किया गया है इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वजह से। जहाँ तक इंग्लिश स्पीकिंग की बात है, रीज़न कि यहाँ पे फुल इंग्लिश मीडियम होता है क्योंकि यहाँ पे 386 टीचर्स फुल इंग्लिश मीडियम के लिए रिक्रूट की गई हैं, यानी कि 386 टीचर्स जो मेडिसिन पढ़ाते हैं वो इंग्लिश में इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाई की कोई दिक्कत बच्चों को नहीं आती। सारी टीचर्स आराम से इंग्लिश में बात कर सकती हैं आपसे। तो एजुकेशन और समझना और पढ़ाई बहुत ईजी हो जाता है। क्रेमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है। यहाँ पे स्विमिंग पूल से लेकर बास्केटबॉल कोर्ट से लेकर लॉन टेनिस से लेकर जिम्नाजियम जैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो जो स्टूडेंट्स फिज़िकली एक्टिव रहते हैं उनके लिए भी यूनिवर्सिटी बहुत सही चॉइस है। बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ के ट्यूशन फ़ी की। अगर आपको ट्यूशन फ़ी की कोई भी डिटेल चाहिए हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का फी डिटेल चाहिए हो, तो आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप हमारी BookMyUniversity की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप bookmyuniversity.com पे जाकर भी सारा फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी की डिटेल चाहिए उसको आप सर्च करें और सर्च करके आपको वो यूनिवर्सिटी की डिटेल्स मिल जाएंगी। देन आपको जिस भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे फीस स्ट्रक्चर चाहिए, जो भी चाहिए वो आप क्लिक करें और वहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो जाती है। यहाँ का ट्यूशन फीस स्ट्रक्चर रूबल्स में है, जो कि 2.5 लाख रूबल आपका पर ईयर यहाँ का ट्यूशन फीस होता है। अगर आप इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2,45,000 से 2,50,000 तक आएगा। हॉस्टल फीस यहाँ पे 9,000 रूबल से शुरू होकर 60,000 रूबल तक जाती है, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पे एक न्यू हॉस्टल का डेवलपमेंट हुआ है जो ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी से आपको ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ से इक्विप्ड है। तो आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ कैसा भी हॉस्टल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ का मेस आपको करीब 10,000 रूबल्स पर मंथ के हिसाब से मिल सकता है, यानी कि 10,000 रुपीज़ पर मंथ। रशिया की करेंसी रूबल है और इस वक्त रशियन रूबल का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू इंडियन रुपीज़ है, तो आपको कुछ भी एडिशनल नहीं देना। तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस आप पे करते हैं जितना भी रूबल्स में होता है। फर्स्ट ईयर में एडिशनल वन टाइम चार्जेस होते हैं जिसमें हम बहुत तरह की फैसिलिटीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। प्लस विल मेक श्योर दैट आपको पूरे 6 साल लोकल सपोर्ट मिले, लोकल असिस्टेंस मिले रशिया में, क्रेमिया में। तो उसके चार्जेस भी इसमें इंक्लूड होते हैं ताकि किसी भी वक्त अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो आपको वो हेल्प मिल पाए। बुक माई यूनिवर्सिटी ऑथराइज है क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने के लिए। यहाँ की वेबसाइट पे भी हमारा नाम मेंशन है, बुक माई यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन है। तो अगर आप ऑथराइज तरीके से इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाके क्वेरी कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ओवर फ़ोन, या फिर हमें ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी हमारी बुक माई यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन की लिस्ट में आती है, तो इस यूनिवर्सिटी की डिटेल हमने आपको देना ज़रूरी समझा, बिकॉज एक सही यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करवाना ही एक अच्छी कंसल्टेंसी की जिम्मेदारी होती है। तो आप बिना झिझक इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं यहाँ की पढ़ाई से। बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे FMGE रिज़ल्ट को पास करके डॉक्टर बन चुके हैं। अभी इस वक्त दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल और भी इंडिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। अगर मैं दिल्ली के कुछ हॉस्पिटल के नाम लूँ जहाँ मैं खुद जानती हूँ, जैसे कि RML हॉस्पिटल हो गया, आपका सफदरजंग हो गया, यहाँ पर कार्यरत हैं। आप अगर किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के अब्रॉड से आते हैं और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर आने वाले टाइम पे नेक्स्ट का एग्ज़ाम देते हैं, तो आप इक्वल हो जाते हैं इंडिया के डॉक्टर के। तो आप किसी भी तरह की जॉब अप्लाई कर सकते हैं, आप चीफ मेडिकल ऑफिसर की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आप चाहें तो इंडियन आर्मी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो अब्रॉड से MBBS करना एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी बात है। अगर आप करना चाहें तो बुक माई यूनिवर्सिटी आपको असिस्ट करने के तैयार है। हम आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे आप एक सही यूनिवर्सिटी का चुनाव कर पाएँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, जहाँ पे मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की जानकारी दी है। यहाँ पे पढ़ने में आपके ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा और आपको स्टैंडर्ड वाइज एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिल सकता है। इस यूनिवर्सिटी में लिमिटेड सीटें हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने के लिए, तो बिना टाइम वेस्ट करें आप अपनी सीट ज़रूर रिज़र्व करवा लीजिए, ताकि आप टाइम रहते ऐसी यूनिवर्सिटी में सीट को रिज़र्व करवाएं, ताकि आगे जाके ऐसा ना हो कि इस यूनिवर्सिटी में सीटें ना बचें। बिकॉज इन कंट्रीज़ में जहाँ पे हम एडमिशन करवाते हैं वहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में एडमिशन होते हैं, यानी कि जो पहले एडमिशन करवाएगा उसी को मौका मिलता है। सो ऐसी ही और यूनिवर्सिटी की डिटेल पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए बुक माई यूनिवर्सिटी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। रेगुलरली हम लोग वेबिनार कंडक्ट करते हैं अब्रॉड की यूनिवर्सिटी की डिटेल देने के लिए, और BMU ऐप में आप ये वेबिनार्स को आराम से एक्सेस कर पाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और जुड़े रहिए इसी तरह से MBBS अब्रॉड की और भी जानकारी लेने के लिए। थैंक यू सो मच।